क्या खत्म हो जाएगा दीप और आरोही के प्यार का सिलसिला? क्या खत्म हो जाएगी ये प्रेम कहानी? गलत फहमियों के चलते क्या मिट जाएगा आरोही का नामो निशान? दरअसल तारा और विराट ने बिछाया है मौत का जाल, लेकिन ये पूरा जाल सिर्फ और सिर्फ आरोही के लिए है। पहले आरोही को जंगल में बुलाना और फिर आरोही को ये यकीन दिलाना कि दीप ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। आरोही भी गलत फहमियों का शिकार बन जाती है और जैसे ही दीप आरोही के पास पहुँचते हैं, वो खाई की तरफ आगे बढ़ती है और उसमें गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने आरोही और अपने बच्चे को मरता देख दीप खुद को संभाल नहीं पाते हैं। क्या करो पागल हो गए, उसके लिए अपनी जान मत दो। छोड़ो मुझे। जिसके लिए सब कुछ, सब कुछ। दीप और आरोही दोनों ही इस बात से अनजान है कि कश्यप भी तारा और विराट के साथ मिले हैं। कश्यप दीप को संभालने के साथ साथ दीप के दिमाग में आरोही के लिए नफरत पैदा करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे बच्चे की जान लिए तुम्हारे नजरों के सामने, ताकि जिंदगी भर तुम्हें ये दर्द रहे, ताकि जिंदगी भर तुम घुटते रहो। देखो कितनी बेरहम है वो, सिर्फ अपने सिर ने मारा है। आरोही की मौत और दीप के टूटने का पूरा मजा ले रही तारा के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पूरा तमाशा क्या है। वही है जो हर बार होता है इस शो में, खून खराबा थ्रिलर, और एज यूजुअल तारा खून करती रहती है, लेकिन आरोही का खून करने में उसे बहुत ज्यादा उसके पसीने छूट गए, लेकिन वो मरती नहीं है। वो इतनी कोशिश करती है, कभी जमीन में 6 फीट का गड्ढा खोद देती है, उसमें उसे जिंदा दफना देती है, वो वहां से वापस आ जाती है, उसे पानी में धकेल देती है, वो वहां से वापस आ जाती है। तो बेचारी तारा को बहुत क्रिएटिव थॉट्स तक जाना पड़ा कि मैं कैसे कैसे मार सकती हूँ उसे, लेकिन फिर भी वो वापस आ गई हर बार। तो इस बार उसने फिर से कुछ अलग क्रिएटिव एक आइडिया निकाला कि वो आरोही को इस तरह मारेगी कि दीप को लगे कि आरोही ने खुदकुशी कर ली, और आरोही को लगे कि दीप ने उसकी जान ले ली, ताकि दोनों हमेशा एक दूसरे से नफरत करते रहें। वैसे तारा, आपने जब जब आरोही को मारा वो हमेशा बच गई है, तो क्या आपको लगता है इस बार उनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हाँ, पूरी कायनात में एक्चुअली ये तीन चार लोग हैं जो हम हर बार मर के वापस आए हैं, चाहे वो दीप हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो आरोही हो, चाहे वो विराट हो, हर बार मरते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई मार नहीं सकता। आपको बता दें, आरोही यानी निया शर्मा अब आपको शो में नहीं दिखेंगी, मतलब आरोही मौत की इस जंग से लौटकर वापस नहीं आएंगी। यकीन ना आए तो खुद सुन लीजिए। आरोही खाई से गिर जाती है और वो मर रही है, सो इट्स माय एंड डे यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ की कास्ट के साथ काम करके, बहुत मिस करूंगी मैं सबको। आरोही जरा ये तो बताइए कि आप जंगल में पहुँची कैसे? आरोही जंगल में पहुंची क्योंकि उसे दीप ने बुलाया था फोन करके कि मेरे से लास्ट टाइम एक बार मिल लो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों ये सब किया। एंड आरोही हैज बीन रनिंग फ्रॉम दीप क्योंकि उसने सुन लिया था कि ये सब प्लानिंग चल रही थी मेरे बच्चे के लिए, दे वांट माय किड एंड नॉट मी। तो ये सुन के आरोही बहुत हर्ट हो जाती है, बट फॉर द लास्ट टाइम शी वॉन्ट्स टू ट्रस्ट दीप। और जब यहाँ पहुंचते हैं तो दीप उसका ऐसे हाथ पकड़ता है, बट आरोही नहीं, शी डजंट, हाँ, बच पाती। वो पता नहीं है वो दीप ने उसे धक्का दिया या फिर आरोही खुद गिर गई है, वो इज अ मिस्ट्री, बट देन शी डाइज। वेल, गलत फहमियों के साथ आरोही का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या दीप तारा विराट के खेल को समझ पाएंगे? मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।